आज के दिन उड़ी की जो हमारी मेरे अपने साथी हैं, जो हम सारे पीडीपी से वाबस्ता थे, ये सारे इन लोगों की मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, जोनल प्रेसिडेंट्स, हल्का प्रेसिडेंट्स, कोर ग्रुप, ये सारे सवेरे से यहाँ जमा थे। उन्होंने पूरा डेलिब्रेट किया कि हमारे साथ पीडीपी ने क्या किया, हमने पीडीपी के साथ किन वजूहात पर उनको ज्वाइन किया था। उस वक्त हमने देखा था कि पीडीपी की बड़ी टाल पर्सन ये लीडरशिप है, बड़ी फ्रॉक दिल लीडरशिप है, उधर पॉलिटिकल स्पेस है, उनके अच्छे प्रोग्राम्स और उनके जो आपने ये आइडियोलॉजी थी उसको मिलकर हम सब उन्हें फैसला किया था और पीडीपी ज्वाइन किया था। लेकिन जब प्रैक्टिकली चार साल का हमने तो देखा तौर तरीका पीडीपी का, तो उन्होंने उड़ी के साथ बेहद बेइंसाफी की, हमारे हकूक को जैसे शब्बे खून मारते हैं वो किया, हमारे 20,000 वोट की उन्होंने कोई वक्त नहीं, कोई कदर नहीं की और कोई फैसला नहीं किया, हमारे साथ बहुत ज्यादतियां की। जिस पीडीपी से हम तवक्कर रखते थे कि लीडरशिप के फैसले की, तो वो मुफ्ती साहब के जाने के बाद सारे ख्याल जो हमारी उम्मीदें थी वो पर नहीं आई। तो मुफ्ती साहब जब तक थे तो तब तक उन्होंने दो बार तीन बार हमारे यहाँ विजिट किया और हमें बड़ा यकीन दिलाया कि इधर पॉलिटिकली एम्पावर किया जाएगा। लेकिन जो हमारे साथ ये नाइंसाफी हुई और जिस तरीके से हम अपने जो स्टैचर में पीडीपी में बैठे थे, उन्होंने हमें उस स्टैचर से लाकर दरवाजे तक पहुंचा दिया। और ये हमारे तमाम जितने अहदेदार हैं, इनने आज ये फैसला किया कि आज हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के बेसिक जो मेंबरशिप है उससे सारे रिजाइन करते हैं, मैं रिजाइन करता हूं, हमारे तमाम हल्का प्रेसिडेंट साहिबान रिजाइन करते हैं, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट साहिबान रिजाइन कर रहे हैं और हमारे जोनल प्रेसिडेंट, जो भी पूरी तंजीम है, हम इस पार्टी को खैरबाद कह रहे हैं विद ए वेरी हैवी हार्ट कि हमें पीडीपी से बहुत तवक्कात थी, लेकिन पीडीपी की जो लीडरशिप मुफ्ती साहब के जाने के बाद आए वो हमारी तवक्कात पर पूरी नहीं उतरी और वो सिर्फ अपने कुछ जो एक दो चार लोगों ने जो उस लीडरशिप को अपने कब्जे में कर रखा था, उसकी वजह से हमारे साथ ज्यादतियां हुई, नाइंसाफी हुई, जिसकी वजह से हम आज पीडीपी को छोड़ रहे हैं। सर, आप किस और तंजीम में शामिल मिलने जा रहे हैं? देखिए, ये जो होता है तंजीमों का ज्वाइन करना ना ज्वाइन करना, अभी तो हम फ्री हैं, आजाद हैं, हमारे अपने जो कोर ग्रुप है ये दोबारा बैठेगा, ये दोबारा इसमें डिस्कस करेगा और हम सारी जो पार्टीज हैं उनका देखेंगे कि क्या है ऑफर, क्या है उनके प्रोग्राम्स, क्या है उनकी आइडियोलॉजी, क्या है उधर स्पेस, क्या है, उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे।